वेलकम टू शिवान्या नर्सरी। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ गार्डन के लिए आपको आइडियाज़ देना चाहती हूँ। जैसे कि एक तरीका ये है दोस्तों कि अगर हमारे पास मिट्टी कम है और हमें बड़े साइज़ का गमले में मिट्टी भरना है और हमारे पास इतनी पर्याप्त मिट्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे दोस्तों। तो एक सबसे बढ़िया आइडिया दोस्तों ये है कि कम मिट्टी में भी आप बहुत ही पौष्टिक तरीके से खाद वाला यहाँ पर एक गमला तैयार कर सकते हैं और उसमें पौधा आप रोप सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको सूखी पत्तियाँ तो सभी जगह मिल जाएंगी, आपके आसपास भी कई पेड़ होंगे दोस्तों, तो वहाँ से आपको कई सूखियाँ पत्तियाँ मिल जाएंगी, या आपका गार्डन होगा तो उसमें भी आपको सूखी पत्तियाँ मिल ही जाएंगी दोस्तों। तो सूखी पत्तियों को क्या है ना, सबसे पहले दोस्तों आप इस गमले में नीचे डाल दीजिए इस प्रकार से। मैं तो दोस्तों कम से कम हाफ गमले को अपनी गार्डन की सूखी पत्तियों से भर देती हूँ दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों आपको इसमें सूखी मिट्टियों से इसको भर देना है। अब आप यहाँ देखिए ये जो है ये कुछ खाद है और ये मिट्टी है, तो इसको हमें दोनों को मिक्स करके और इस गमले के अंदर इस प्रकार से दोस्तों भर देना है। तो ये जो मिट्टी और खाद जो हम इसमें डालेंगे दोस्तों, तो ये जो सूखी पत्तियां नीचे हैं ये इसको डीकम्पोज कर देंगे दोस्तों और एक बहुत बढ़िया खाद पूरे गमले में दोस्तों तैयार हो जाएगी। तो ये जब हम खाद मिट्टी इसके ऊपर डालेंगे तो ये बहुत जल्दी उसको डीकम्पोज करेगी दोस्तों। इसमें डालने के बाद हम इसमें दोस्तों पानी डाल देंगे और फिर एक नया प्लांट लगा के मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि किस प्रकार से। तो आप इस आइडिया से दोस्तों कम मिट्टी में भी अपने गमलों को अच्छी तरीके से भर सकते हैं और आप पौधा लगाकर गार्डनिंग का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ये मैंने अच्छी तरीके से भर दिया है। अब दोस्तों इसमें पानी डाल दीजिए अच्छी तरीके से और इसमें पौधा लगा के आपको छाया में रखना है दोस्तों, इस प्रकार से देखिए। आपको छाया में इसको रखना है दोस्तों। ये दोस्तों ये देखिए एक सुंदर सा पौधा यहाँ पर लग चुका है इस गमले में। यहाँ पर थोड़ा सा पानी हम इसके ऊपर कर देंगे।